यार पांडे जी घर है कि कबाड़ खाना यार, कितना गंदा है यार। नहीं आप खुद ही देख लो ना, देखो मकड़ी के जाले हैं, दीवारों पे क्रैक्स हैं। आपने मुझे क्या बोला था, पोजेशन मिलने से पहले पेंट होगा सब कुछ, यार पेंटिंग छोड़ सफाई तक नहीं हुई है। भाई सर मेरी बात सुनो, पहले आप मेरी बात सुन लो। 4 दिन पहले ये पुराना किराएदार यहाँ से घर खाली कर दिया। उनके जाने के अगले दिन ही मोदी जी ने लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। अब लैंडलॉर्ड को कहाँ से पेंटिंग और सफाई करवाता, उन्हें कोई आदमी नहीं मिलेगा ना। आप बात समझो, और आपको कल रात को ही घर में घुसा दिया, ये भी एक चमत्कार से कम नहीं है इस मुंबई जैसे शहर में। अब कम से कम आपके पास घर तो है, और वो भी फुल्ली फर्निश्ड। ठीक है आपकी बात सही है, लेकिन घर गंदा तो है ना, अजीब सा लाल पेंट लगा हुआ है सब जगह पर। देखो खुद ही देख लो आप, दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर और ये यहाँ पे, हाँ यहाँ पर भी है। एक मिनट पांडे जी, पांडे जी ये क्या है यार? आपने तो मुझे बोला था कि हस्बैंड वाइफ रहते थे, उनका कोई बच्चा नहीं था, तो ये डॉल किसकी है? अब हमें क्या पता, कैसे पता क्या? ठीक है फेंक दो सब। नहीं नहीं उसको ना फेंकिए आप। क्यों? देखिए पिछले किराएदारों की गलती से भूल के रह गया होगा यहाँ पे, लॉकडाउन खत्म होगा तो आके ले जाएंगे। यार पांडे जी ये अधमरी डॉल का करेंगे क्या? अब क्या पता सेंटिमेंटल वैल्यू हो, रख लीजिए ना कुछ दिन के लिए। और वैसे भी इस लॉकडाउन के टाइम पे किसी को घर से निकालना सेफ नहीं है। वेरी फनी पांडे जी, रख देता हूँ। लेकिन सुनिए जैसे लॉकडाउन खुलेगा ना आप पूरा घर पेंट करवा के देंगे मुझे, ठीक है? पक्का सर, मेरी गारंटी है आपको, मेरी गारंटी है। तो रखता हूँ। ठीक ठीक ओके सर, स्टे होम स्टे सेफ। हाँ यू टू। घर पर रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, अपने परिवार दोस्तों और समुदाय की रक्षा के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखने का अभ्यास करें।